आगे बढ़ते हैं खबर इंदौर से, जहां हुकुमचंद मिल मजदूरों ने मुख्यमंत्री को खत लिखा है। सत्र में राहत पैकेज का प्रस्ताव पारित करने के संबंध में यह खत लिखा गया है। 30 साल से मजदूर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। 229 करोड़ के वेतन और ग्रेच्युटी देने की मांग इन मजदूरों ने अपने खत के जरिए की है और मजदूरों ने सरकार को 2 मार्च तक का अल्टीमेटम भी दिया है। तो इंदौर से खबर, हुकुमचंद मिल मजदूरों ने मुख्यमंत्री को खत लिखा और बजट सत्र में राहत पैकेज का प्रस्ताव पारित करने को लेकर एक खत लिखा गया। ज्यादा जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ संवाददाता पीयूष पारे जुड़ गए। पीयूष, क्या कुछ इस खत में लिखा गया है? देखिए, बिल्कुल लंबे समय से हुकुमचंद मिल के जो मजदूर है वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अब जब विधानसभा सत्र यहाँ पर चल रहा है तो सरकार विधानसभा सत्र में मिल मजदूरों को राहत पैकेज का प्रस्ताव करे, इस मामले को लेकर मजदूरों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। साथ ही 30 साल से अपने हक की जो मजदूर लड़ाई लड़ रहे हैं उनका 229 करोड़ रुपए के वेतन और ग्रेच्युटी देने की मांग भी यहाँ पर लंबे समय से मजदूर उठा रहे हैं और शायद यही वजह है कि 2 मार्च तक का अल्टीमेटम यहाँ पर सीधे तौर पर मजदूरों ने सरकार को दिया है। उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगे विधानसभा में उठाती है और इसको लेकर जो है वो यहाँ पर विशेष राहत पैकेज का प्रस्ताव पारित करती है तो वे आंदोलन नहीं करेंगे। अगर सरकार पारित नहीं करती है इस तरह का प्रस्ताव तो वहीं कहीं ना कहीं मजदूरों को अब इस मामले को लेकर आंदोलन करना पड़ेगा। अब मिल मजदूरों के हक में सरकार क्या कदम बढ़ाती है, ये देखना भी यहाँ पर लाजमी होगा। बिल्कुल, खत लिखा है, 229 करोड़ के वेतन और ग्रेच्युटी देने की मांग इस खत के जरिए की गई है, लेकिन सरकार क्या कदम उठाती है ये देखने वाली बात है। फिलहाल शुक्रिया आपका पीयूष जानकारी साझा करने के लिए।